क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निशा सरोज आई नजर डालता हूं आज के कुछ खास खबरों पर। देश में सातवीं आर्थिक जनगणना के मद्देनजर उमरिया जिले के सभी सीएससी संचालकों को दिया प्रशिक्षण। देश में सातवीं आर्थिक जनगणना के मद्देनजर उमरिया जिले के 200 कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों के साथ सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों ने कार्यशाला का आयोजन किया। सामुदायिक भवन में शुक्रवार से शुरू हुई इस कार्यशाला में सीएससी संचालकों को मोबाइल एवं डिजिटल माध्यमों से आर्थिक जनगणना करने की मूलभूत जानकारी एवं कार्य पद्धति की जानकारी प्रदान की जा रही है। कार्यशाला में जबलपुर सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों सहित उमरिया जिले के प्रबंधकों एवं सीएससी संचालकों ने हिस्सा लिया। देश में सातवीं आर्थिक जनगणना का कार्य 24 जून से प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत पूर्व में सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं बाद में सीएससी संचालकों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। विभाग की माने तो ब्लॉक लेवल पर वीएलई प्रशिक्षण के बाद मोबाइल ऐप के जरिए देश में आर्थिक जनगणना के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सीएससी संचालकों की माने तो देश में पहली बार डिजिटल माध्यमों से जनगणनाओं के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे गणना कार्य में सरलता होगी, साथ ही विश्वसनीय आंकड़े जारी किए जाएंगे। जनगणना कार्य को लेकर सीएससी संचालकों में उत्साह है। मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा भारत सरकार को, जो जिन्होंने हम वीएलई कॉमन सर्विस सेंटर वालों को इतना बढ़िया काम करने का अवसर दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी तक जितनी भी जनगणना हुई है उसमें ये सबसे अलग जनगणना होगी और ये टोटल डिजिटलाइज होगी। डिजिटल इंडिया तहत प्रोग्राम के तहत ये टोटल डिजिटलाइज और मोबाइल ऐप के जरिए ये जनगणना होगी। जिसका आज प्रशिक्षण था और सर लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। ये हम कॉमन सर्विस सेंटर वालों के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा कि हम लोग ये करें और ये रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा ये हमारे लिए और हमारे वीएलई सभी भाइयों के लिए। हमें इकोनॉमिक सर्वे, 7th इकोनॉमिक सर्वे जो हो रहा है उसकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया हुआ है। जबलपुर से एसएसओ सर आए हुए हैं और हमारे डीएम अनुराग विश्वकर्मा और सुधीर सोनी के अंतर्गत मतलब ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें हमें पूरी ट्रेनिंग कैसे करनी है, जनगणना कैसे करना है और ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। मैं चाहूँगा सीएससी को भारत सरकार द्वारा सातवीं आर्थिक जनगणना के लिए नियुक्त किया गया है, जो इस बार पूर्ण डिजिटलाइजेशन के द्वारा मोबाइल ऐप के जरिए सर्वे करवाया जाएगा। ये सर्वे गांव-गांव वीएलई के द्वारा किया जाएगा, जो वीएलई सीएससी में काम करते हैं। हमारे उमरिया ज़िले में 400 से ज़्यादा वीएलई हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए 100 से ज़्यादा वीएलई मौजूद हैं, जो लोगों के घरों में जाकर के सर्वे कार्य को संपादित करेंगे, पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और तुरंत ही सर्वर को भेज दिया जाएगा। इससे सरकार को बेसिकली जो रिजल्ट चाहिए, क्या वास्तविकता में वहाँ हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी इन्वेटर और सुपरवाइजर के द्वारा सरकार तक पहुँचाई जा सकेगी और लोगों को इससे अपने रोजगार को बढ़ाने में नया अवसर मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ सीएससी का ये जो मुहिम चलाया जा रहा है उससे बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है और ये सर्वे कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपादित होगा। सातवीं आर्थिक जनगणना जो कि सीएससी कर रहा है, सीएससी के रूरल और अर्बन में वीएलई होते हैं ना, वो वीएलईयों की यहाँ पे एक दिन की कार्यशाला रखी गई है कि ऐप के जरिए उनको किस प्रकार से वर्क करना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बार सातवीं आर्थिक जनगणना जो होनी है वो सीएससी के माध्यम से होना है और वीएलई उस पर वर्क करना है। ये कार्यक्रम बेसिकली रखा गया है कि पूरे भारतवर्ष में जून से दिसंबर के मध्य सातवीं आर्थिक गणना का कार्य प्रस्तावित है, जिसको जो है सीएससी द्वारा संपादित किया जाएगा और कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके द्वारा जो है इसके दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इसका अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण 14 जुलाई को नई दिल्ली में हो चुका है, राज्य स्तर मध्य प्रदेश में इसका 17 जुलाई को हो चुका है, जिसमें हमारे साथ ये जो जिला प्रबंधक है सीएससी के, ये प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। आज यहाँ पे हम उमरिया जिले में जिला स्तरीय प्रशिक्षण सीएससी के ही वीएलईज को दिया जा रहा है और इसके बाद ये ब्लॉक स्तर पे आयोजित करेंगे, जहाँ पे जो फील्ड एनुमरेटर सीएससी का प्राथमिक स्तर का काम करेंगे उनको ये आगे जाके प्रशिक्षण देंगे।
तो इनको मूलभूत ज्ञान और ऐप में कैसे काम किया जाएगा इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐप का पूरा डिज़ाइनिंग जो है ये CSC द्वारा किया गया है। इस समय मूलभूत जो इनके कंसेप्ट है उसका सेशन हो चुका है और अभी ऐप वाला सेशन हम लोग कर रहे हैं। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।